महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरह से आप निभा रहे हो। सर, इस जो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आपने एसोसिएशन किया है, उसकी थोड़ी पार्श्वभूमि क्या है, आप थोड़ा बता सकते? नानाजी देशमुख कृषि समृद्धि अभियान है, 3000 करोड़ रुपीस का जागतिक बैंक का उसमें असिस्टेंस है, और स्पेशली 15 जिलों में 5400 गांव में वो अभियान है। लेकिन कुछ ऐसे हर्डल्स थे कि वो हर्डल्स टैकल करना बहुत इम्पोर्टेंट था। हमारे कृषि अधिकारी मेहनत कर रहे थे, कृषि सहायक कृषि शाला यानी फार्मर स्कूल ले रहे थे, लेकिन जो कृषि मित्र है, कृषि ताई है, उनसे रिसेप्टिविटी जैसी मुझे चाहिए वैसी नहीं आ रही थी। और फार्मर्स के पास यह योजना सिर्फ ट्रैक्टर देने की, इम्प्लीमेंट देने की, स्कीम देने की योजना करके जा रही थी, तो इससे जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। बांटा जा रहा था, सब्सिडी की योजना हो गई थी, और सब्सिडी की योजना का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होता है, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, उनका वो इनकम कैसा बढ़ना चाहिए, इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग के जो लोग हैं उनके उनसे हमने संपर्क किया, और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है कि 3 दिन का निवासी प्रशिक्षण कृषिताई कृषि मित्र इनको दे, और उसमें पहले दिन उनकी रिसेप्टिविटी बढ़ाने के लिए काम किए, उनमें पॉजिटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जब वो रिसीव करने लगेंगे तो वो लोगों को डिलीवर करने लगेंगे। उसके बाद में उसके साथ में एक बार वो पोजीशन में आने के बाद में हमारे तज्ञ कृषि सहायक अधिकारी बीएससी एग्रीकल्चर हुए लोग, वो उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड का पर्याप्त वापर, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देते, क्लाइमेट चेंज के कारण कौन से ये क्रॉप लेना चाहिए उसके बारे में बताते, वाटर कंजर्वेशन कैसा करना चाहिए, वाटर यूटिलाइजेशन कम पानी में कैसे क्रॉप ज़्यादा लेना चाहिए, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र क्यों नहीं होना चाहिए, और ये प्रोडक्शन होने के बाद में उसका प्रोसेसिंग, वन स्टेप प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग कैसा करना चाहिए, वो सब बताते हैं। लेकिन वो बताने के लिए, उनको रिसेप्टिव बनाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत अच्छा सहयोग हुआ। अभी तक 1300 प्रशिक्षित हुए। अब मुझे जो रिपोर्ट मिल रहे, पहले जो प्रशिक्षण होते थे तो प्रशिक्षण में एक ही दिन का अटेंडेंस लगता था, लेकिन पूरे 3 दिन तक कोई अटेंड नहीं करता था। मुझे खुशी हो रही कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आखिरी के दिन एग्ज़ाम भी ली जाती है, और उसमें भी सभी लोग अटेंड करते हैं। उसके वीडियोज़ और रिपोर्ट भी हमने प्रकल्प संचालक से लिए है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए वह बहुत फलदायी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, कई सारे और प्रोग्राम्स भी आप किए होंगे, सीएमसी का एक हमने पायलट किया, उनको ट्रेनिंग दिया, कई सारे लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में इस ट्रेनिंग के थ्रू नॉलेज मिल रहा है, फर्स्ट टाइम कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल रही है। आगे इस आप एसोसिएशन को किस तरह से आगे जाएगा, किस तरह से देखते हो, कि क्या विजन आप रखना चाहोगे इस प्रोजेक्ट? विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले कृषि सहायक है, तलाठी है, ग्राम सेवक है, आशा है, आंगनवाड़ी सेविका है, ये ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है। अब ये सब लोग काश्तकारों से ज़्यादा निगड़ित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो VSTF प्रोग्राम है, विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फेलो जो है, वो भी वही काम करते हैं। इसका माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का यही कहना है कि इनको सबको कोऑर्डिनेट करके, उनको पॉजिटिव करके, हर गांव में 30 फार्मर, 30 खेत मजदूर और विशेषतः महिलाएं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया, पॉजिटिविटी लाई, कॉन्फिडेंस डेवलप किया, तो ये सब अभी जो निगेटिविटी है और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होगी। इसलिए आगे के प्रोसेस में भी मैं डेफिनेटली ये फॉलोअप के लिए भी, स्मार्ट प्रोग्राम के लिए भी, और पोखरा के लिए भी मैं डेफिनेटली आपका सहयोग, आर्ट ऑफ लिविंग का सहयोग पूरी तरह से लेने की आशा रखता हूँ। और आप जितने डिवोशन से काम करेंगे, उतना ट्रांसफॉर्मेशन महाराष्ट्र में, स्पेशली विदर्भ और मराठवाड़ा के
किसानों में डेफिनेटली आएगा, यह मेरा विश्वास है। सर आप आश्रम में अभी दो बार आए थे और ये तीसरा विजिट है, आपका ओवरऑल अनुभव कैसा रहा आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, सुदर्शन पे आपने की या आश्रम में आपने कुछ देखा, आपको कैसा लगा सर? या आश्रम जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में आपको एक क्या आपका फीडबैक है? आज मैं कृषि मंत्री के नाते से और पोखरा में स्वर्गीय नानाजी देशमुख कृषि समृद्धि अभियान में आर्ट ऑफ लिविंग का जो सहयोग है वह सब लेके श्री श्री गुरुजी के दर्शन लेने के लिए आया। इसके पहले भी मैं मेरे हेल्थ के कारण और एज ए डिवोटी करके भी यहाँ पे आया था, देखने के लिए भी आया था। जो अपनी प्राचीन परंपरा है और अभी क्लाइमेट बहुत सारा चेंज हो रहा है, इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ करने के लिए मुझे लगता है कि आश्रम का सहयोग अच्छी तरह से हो सकता है। दूसरी बात, डेडिकेटेड डिवोटेड और राष्ट्र के प्रति प्रेम करने वाले और आखिरी के आदमी तक पहुंचने वाले वॉलेंटियर्स निर्माण करना बहुत ज़रूरी है और वो संस्कारित करना ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी मैंने आज गुरुजी से चर्चा की है। थ्रू आउट महाराष्ट्र तो ये हम काम कर सकेंगे, महाराष्ट्र का मॉडल पूरे इंडिया के लिए अच्छी तरह से काश्तकारों के लिए काम में आएगा, ये मेरा विश्वास है। दूसरी बात ऐसी है कि मेरे मतदार संघ में जो जल संपदा के पास जगह है वहाँ पे भी एक एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर एक अच्छी यूनिवर्सिटी निर्माण हो, ये हमारी इच्छा है। उसके लिए भी उनको आमंत्रित किया गया है और उन और काश्तकार किसान और किसानों में मजदूरी करने वाले ग्रामीण इलाकों के सब लोग, युवा बेरोजगार और महिलाएं, इनका सबका भला होने के लिए, इनको सबको आशीर्वाद मिलने के लिए मैं गुरुजी के पास आया था और आज उन्होंने आशीर्वाद दिया और मैं बहुत खुश होकर एक आशीर्वादित होकर यहाँ से जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है पूरे देश में किस तरह से ये पूरा इंप्लीमेंट किया जा सकता है, आपका विजन क्या है? डेफिनेटली एक महाराष्ट्र का मॉडल निर्माण होने के बाद में, विशेषतः स्वर्गीय नानाजी देशमुख अभियान का मॉडल निर्माण होने के बाद में और स्मार्ट और वीएसटीएफ को इसको जोड़ने के बाद में एक अच्छा मॉडल अपने आप आगे आएगा। और ऑब्वियसली हमारे एग्रीकल्चर का सब जो डिटेल्स है हम सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजते, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी भेजते, और मुझे विश्वास है कि 2022 में एग्रीकल्चरिस्ट का, फार्मर का इनकम जो डबल करने का और उनमें आर्थिक समृद्धि लाने का जो वचन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने दिया है, यही प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उसमें यश प्राप्त कर सकेंगे देश भर में भी।